दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से एक बड़ी खबर लेकर आए हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित। बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद हैं। वहीं दोस्तों तमाम नामों पर चर्चा की गई। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, इस मीटिंग में जिन नामों पर चर्चा हुई है उनमें एक नया नाम सामने निकल के आया है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह के नाम पर चर्चा हुई है कि उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन इसकी घोषणा सभी दलों से विचार विमर्श करने के बाद ही की जाएगी। दोस्तों बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जिम्मेदारी मिली है कि वह सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर विचार विमर्श करें। आपको दोस्तों बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर यूपीए और गैर यूपीए दलों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए शुरुआत भी कर दी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान तो कर दिया है और 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। वहीं 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख होगी। देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब सभी पार्टियों से बात करेंगे जेपी नड्डा। और यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम की भी चर्चा हुई है बैठक में। दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सामने निकल के आ रही थी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इस खबर को जान सकें। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत